ओके ये न्यूज़ हमको मालूम है कि नीलोफर हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची जो 6 से 7 साल की उम्र की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। जब हम लोग जितने भी लोग हमारे साथियां थे यहाँ पर पहुंचे, अंदर जाने की कोशिश करें हम कि बच्ची की हालत क्या है, बच्ची के साथ क्या हुआ है मालूम करना, आज ए पॉलिटिकल आज ए ह्यूमैनिटी आज एक औरत बन के आना हमारा फर्ज समझ के हम यहाँ पर पहुंचे। अंदर जाने के लिए इतने हम लोगों को इतना समझाना पड़ रहा है, इतना मना रहे उनको कि प्रोटोकॉल बता रहे, प्रोटोकॉल हमारा प्रोटोकॉल, जबकि प्रोटोकॉल डॉक्टर जो जिससे हम बात करें उन्होंने पी के है, ड्रिंक करे हुए है, उन्होंने डॉक्टर बोल रहे कि पीडियाट्रिक सर्जन हूँ बोल रहे, नर्सेस है, डॉक्टर्स है, जो भी है वहाँ पर कोई अंदर जाने नहीं दे रहे। तो एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ जाके मालूम करने का अधिकार हमको नहीं? तो जब तुम पी की क्या ट्रीटमेंट कर रहे, अंदर जूते नहीं पहन के चप्पल नहीं पहन के पूरा हॉस्पिटल बाहर अंदर घूम के तुम चप्पल लेके फिर सकते हैं, बाहर का कोई अंदर नहीं आना है। तो ये सामूहिक बलात्कार कब तक बच्चों पे होता जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? और 6 साल से लेकर 60 साल, 7 साल से लेकर 70 साल की औरतों पे बच्चों पे कब तक ये बलात्कार करते रहेंगे? कब तक हम देखते देखते हाथ पे हाथ डाल के बैठेंगे? और कौन है इसका जिम्मेदार? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और कौन है? कौन लेंगे इसकी जिम्मेदारी? कौन लेंगे? आज एक हुआ कल दो हुआ इंतजार करते बैठेंगे क्या? कल कितने होते, परसों कितने होते इसके लिए? और जो है ना ये जो भी निकाल रहे वो एक्ट पे बुक करे, ये एक्ट, ये हमको एक्ट नहीं चाहिए, हमारे को ये आर्टिकल्स नहीं चाहिए, हमको ये हम डिमांड कर रहे बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ जो ये सामूहिक बलात्कार जो हो रहा, इसके लिए ये कि फर्स्ट स्टेप जजमेंट करिए, हमको जो है ना ये फौरन उसको हैंग करिए। आगे कोई बंदा बच्चा बड़ा कोई भी इसके हिम्मत नहीं करेगा कि कोई बच्ची के साथ औरत के साथ बलात्कार करने का हिम्मत नहीं करना, वैसा कुछ है उसको जो है ना हैंग कर देना है, चारों के सामने हैंग करिए, मीडिया के सामने करिए, पूरा मीडिया को मालूम होना चाहिए पूरे देश के अंदर। ये जो चीज नहीं करके कौन सा की लेके बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है। बच्चों को घर से बाहर निकलने के माँ बाप डर रहे हैं, आज हमारी घर की बच्ची खैर से घर पहुंचेंगी क्या? और ये सेंसर के बारे में कौन बताएगा, कौन बोलेगा? हर वो टीवी के एड लेडीज के ताल्लुक से इनर आउटर जो जो भी है बता रहे, कौन लेंगे इसकी जिम्मेदारी? कई को बता रहे तुम एड्स के लिए क्यों कट नहीं कर रहे, क्यों इसको जो है ना बंद नहीं कर रहे? हर वो चीज औरत क्या इस्तेमाल करती है इतना ओपनली लाए, तो कौन बच्चा कौन आदमी ये चीजों पे डीप ले जाके क्या क्या नहीं करता? हर जगह हर गली में हर महीने पे नेशनल रोड पे हर जगह जो है ना तुम पेपर टंपिंग के जैसा शराब खाने खोल के बैठे हुए है। हर हर वो जगह भारत स्कूल है, चर्च, देवघर, मंदिर, हर जगह तुम्हारे शराब खाने खुले हुए है। टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, जाके वही पी लेता हूँ। अब क्या करना है उसकी मर्जी से मनमानी करते जाए, बच्चा हो, बुड्ढा हो, जो जवान हो, इसके लिए ये क्या हुआ है मालूम करने के लिए इसको अरेस्ट करे, केस बुक हुआ है क्या मालूम करने आज ह्यूमैनिटी ग्राउंड हम यहाँ पर पहुंचे हुए। कई सारे पार्टी के मेंबर्स आए हुए थे, कई सारे पार्टी अपने अपने तरीके से एहतजाज कर रहे थे, पर यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, एक छोटी सी लड़की के ऊपर जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम फाइट करने आए थे। और दूसरी बात, जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अंदर गए तो हमारे डॉक्टर्स और ड्यूटी डॉक्टर्स दूसरे लोग हमारे हमारी प्रोटोकॉल सिखा रहे थे। सबसे पहले मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे काम करते हैं उनको खुले अल्फाजों में बता देना चाह रहा हूँ, भाई आपके गवर्नमेंट को जो फंड आता है वो हमारे टैक्स अमाउंट से आता है, हमारे 100 out of 100 हक है कि हम पूछे कि इसके साथ क्या हुआ और इसके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट है। अंदर जाने के बाद जब हम देख रहे हैं जो पब्लिक सर्वेंट है, आप DSO हो, RSO हो, PSO जो कोई भी हो, आप जब पुलिस का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और आप एक मीडिया पर्सन का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक लेडी जो पार्टी से आकर किसी से क्वेश्चन कर रही है उसका रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको पूछ रहे हो, आप उसको बोल रहे हो गेट आउट, देन व्हाट यू आर रेस्पेक्टिंग? आप हमारे प्रोटोकॉल बता रहे हो और आप खुद अंदर ड्रंक हो। आई हैव एन प्रूफ, वीडियो प्रूफ, वो बंदा जो हमारे प्रोटोकॉल बता रहा था वो ड्रंक था, ठीक है? एक मिनट ठहरिए, मैं आपको वीडियो बताता हूँ। प्रोटोकॉल बता रहे हो तो आप खुद फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? एंड यू आर आस्किंग टू द मीडिया क्या आप किसके परमिशन से आए हो? यार हम पब्लिक की आवाज है, हमारे पब्लिक का परमिशन चाहिए, आपका परमिशन नहीं, दैट्स इट। एरिया किसका है? और ये कह रहे हैं कि आपको पता है हॉस्पिटल किसका है? मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल पब्लिक का है। यहाँ पर जितना भी फंड रिलीज होता है, यहाँ पर जितना भी पैसा आता है वो पब्लिक की खिदमत के लिए आता है, आपकी कमाई के लिए नहीं आता।
बस हम पब्लिक के लिए आवाज उठा रहे हैं और पब्लिक हमेशा सच्चाई के लिए लड़ने के लिए तैयार है। अगर किसी को भी जो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि उनको पैसा कहाँ से आता है, उनको सैलरी कहाँ से आती है, उनको तनख्वाह कहाँ से मिलती है, तो पब्लिक में अवेयरनेस है मेरे भाई। हम अगर पेट्रोल भी डलाते हैं तो टैक्स पे करते हैं, हम अगर गाड़ी भी खरीदते हैं तो टैक्स पे करते हैं, अगर हमारे एरिया में रोड भी पड़ती है तो हमारे पैसे से पड़ती है, किसी और के पैसे से नहीं। हमारे पैसों पर अगर आप हमारे पूछेंगे कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे ये प्रोटोकॉल है, आप अंदर अगर हॉस्पिटल में ड्रंक रहेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपील करता हूं तेलंगाना गवर्नमेंट से, इसकी रिक्वेस्ट ली, टेक एन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। और जो बच्ची का जो कुछ भी हुआ, अगर वो बच्ची किसी की बच्ची है या फिर उसके वालिद वालदा नहीं है, नो प्रॉब्लम, तो हम उसके लिए भाई बनने के लिए तैयार है, बाप बनने के लिए तैयार है, उसको अपने गोद लेने के लिए तैयार है, पर उसको इंसाफ देना चाहिए बस।